हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च 2019 और यह हमारी 102वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटाया गया है? इसका सही ऑप्शन है एस श्रीसंत पर 2013 में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। तो आपको याद रखना है, एस श्रीसंत वो खिलाड़ी हैं जिन पर 2013 में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस छात्र ने गेट 2019 में टॉप किया है? इसका सही ऑप्शन है प्रखर सेन। हाल ही में प्रखर सेन ने गेट 2019 में टॉप किया है। आपको बता दें, प्रखर सेन भोपाल के रहने वाले हैं और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। इसके अलावा रजत सोनी ने ईसी ब्रांच से रहते हुए जो है मध्य प्रदेश में टॉप किया है। तो आपको याद रखना है, रजत सोनी ने मध्य प्रदेश में टॉप किया है और प्रखर सेन ने ऑल इंडिया में टॉप किया है गेट 2019 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में एसबीआई ने कितने एटीएम के लिए एनओ ऐप कार्डलेस निकासी की व्यवस्था की है? इसका सही ऑप्शन है 16,500 एटीएम के लिए एनओ ऐप कार्डलेस निकासी की व्यवस्था की है। अब ये एनओ ऐप क्या है, आपको इसके बारे में बता दें। इस ऐप की मदद से बिना एटीएम के भी आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आपको एक 30 मिनट के लिए कोड या पिन वैलिड किया जाएगा, जिसकी मदद से आप 30 मिनट के अंदर एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अब ये व्यवस्था एसबीआई ने की है, तो आपको एसबीआई के बारे में बता दें। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका नामकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। आपको बता दें, 1955 से पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। तो इतना आपको एसबीआई के बारे में याद रखना है। और हाल ही में 16,500 एटीएम के लिए एनओ ऐप कार्डलेस निकासी की व्यवस्था एसबीआई ने की है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में यूएनडीपी ने किस देश के प्रमुख को विशेष सम्मान दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है भूटान के नामले जिम्मे को। भूटान के प्रमुख को हाल ही में यूएनडीपी ने प्रमुख यानी विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पर्यावरण संरक्षण ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के लिए यह अवार्ड दिया गया है यूएनडीपी के द्वारा। अब बात आई है यूएनडीपी की, तो आपको यूएनडीपी के बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी स्थापना 1965 यानी 1965 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है और हेड है अस्टिम स्टेनर। तो आपको याद रखना है, यूएनडीपी ने हाल ही में भूटान के प्रमुख को विशेष सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में आइस स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? जिसका सही ऑप्शन है रूस। हाल ही में रूस में आइस स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई है। इस इवेंट में 33 देश हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, आइस स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब होता है बर्फ को काटकर स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाता है। इसमें जो पारा होता है वो -10 डिग्री से लेकर -20 डिग्री तक होता है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में ऐसी चैंपियनशिप रूस में आयोजित की गई है। अब बात आई है रूस की, तो आपको रूस के बारे में बता दें। मैप में ये जगह रूस को दर्शाती है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। तो इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है जेपी डुमिनी। हाल ही में जेपी डुमिनी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आपको बता दें, ये 2019 के बाद संन्यास लेंगे। ये साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन है।
आपको इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कभी भी रन आउट नहीं हुए हैं। ये एकमात्र प्लेयर हैं जो कभी रन आउट नहीं हुए हैं, तो आपको याद रखना है। और हाल ही में इन्होंने, जेपी डुमनी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7, फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन हमारे देश भारत में किया जाएगा। तो सही ऑप्शन है भारत। हाल ही में फीफा हेड जॉनी इन्फेंटिनो ने यह घोषणा की है कि 2020 का जो महिला विश्व कप है अंडर 17 का, वह भारत में किया जाएगा। आपको बता दें, अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा द्वारा 2008 से आयोजित किया जा रहा है, तो और इसका 2020 में आयोजन भारत में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2020 में भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानसून में क्लाउड सीडिंग किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक में मानसून में क्लाउड सीडिंग की जाएगी। आपको बता दें, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दो मानसून सीजन 2019 और 2020 के लिए मानसून में क्लाउड सीडिंग की जाएगी कर्नाटक राज्य में। अब ये क्लाउड सीडिंग क्या है, तो आपको इसके बारे में बता दें, क्लाउड सीडिंग का मतलब केमिकल्स के द्वारा वर्षा प्राप्त करना है। इसमें सिल्वर और पोटेशियम आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड प्रोपेंट का उपयोग किया जाता है वर्षा कराने के लिए। इस प्रोसेस के उपयोग से 27.9% यानी 27.9% की वृद्धि की जाएगी वर्षा में। अब ये क्लाउड सीडिंग कर्नाटक में की जाएगी, तो आपको मैप में कर्नाटक के बारे में बता दें, ये जगह है कर्नाटक को दर्शाती है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। गवर्नर हैं वजूभाई वाला। कर्नाटक की मुख्यमंत्री हैं एसडी कुमार स्वामी और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आई जीवन यापन गुणवत्ता रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना जीवन यापन गुणवत्ता रैंकिंग 2019 में टॉप पर है। आपको बता दें, मर्सर कंसल्टेंसी एजेंसी ने यह रिपोर्ट जारी की है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार 10 साल से इस जीवन यापन गुणवत्ता रैंकिंग में टॉप पर है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, ये ऑल वर्ल्ड की रैंकिंग है। एशिया में यह पुरस्कार सिंगापुर को दिया गया है और भारत में चेन्नई को पहले स्थान पर रखा गया है और चेन्नई विश्व में 105वें स्थान पर है जीवन यापन गुणवत्ता रैंकिंग में। एक बार फिर आपको बता दें, भारत की चेन्नई शहर जीवन यापन गुणवत्ता रैंकिंग में विश्व में 105वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर है। अब ये जीवन यापन गुणवत्ता रैंकिंग किस आधार पर की गई है, तो आपको बता दें, ट्रैफिक, परिवहन सिस्टम, आवास उपलब्धता, बेरोजगारी आदि के 39 यानी 39 फैक्टर्स पर यह सूचकांक आधारित है। अब बात आई है ऑस्ट्रिया की, तो मैप में आपको ऑस्ट्रिया के बारे में बता दें, ये जगह है ऑस्ट्रिया को दर्शाती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वॉन डर वेलन। तो इतना आपको ऑस्ट्रिया के बारे में याद रखना है। और हाल ही में जीवन यापन गुणवत्ता रैंकिंग 2019 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही ऑप्शन है जापान के केंटो मोमोतो। हाल ही में केंटो मोमोतो ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। इन्होंने यह पुरुष वर्ग में जीती है। तो आपको बता दें, महिला वर्ग में चीन की चेन युफो ने यह ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। यह टूर्नामेंट हर वर्ष इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। आपको बता दें, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप
विश्व का सबसे पुराना बैडमिंटन चैंपियनशिप है या टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1898 यानी 1898 में की गई थी और हाल ही में केंटो मोमोतो जो जापान के रहने वाले हैं इन्होंने पुरुष वर्ग में यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है यूएई। हाल ही में यूएई की राजधानी अबू धाबी में पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया है। इसे ब्रिटिश ओलंपिक के खेलों के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें यह आयोजन पहली बार मध्य पूर्व में किया जा रहा है। अब बात आइए यूएई की, तो मैप में आपको यूएई के बारे में बता दें, ये जगह है यूएई को दर्शाती है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जयाद अल नहयान। तो इतना आपको यूएई के बारे में याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पैरा ओलंपिक या ब्रिटिश ओलंपिक के बारे में बता दें, यह प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है और 2019 में पैरा ओलंपिक की जो थीम है वह भी आपको याद रखना है। इसकी थीम है या मोटो है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ये 2019 के पैरा ओलंपिक का मोटो है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कब नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 16 मार्च। हाल ही में 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया है। अब ये नेशनल वैक्सीनेशन डे क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीके का उपयोग को बढ़ावा देना है। आपको बता दें नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत 1995 यानी 1995 में नेशनल वैक्सीनेशन डे की शुरुआत की गई थी और यह हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।